मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कौन जीतेगा लोकसभा का चुनाव? इस चुनावी जंग में एनसीपी पार्टी के बाबाजी पाटिल ने 8 अप्रैल को पर्चा दाखिल किया है और 9 अप्रैल को शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने पर्चा दाखिल किया है, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता डोंबिवली में नामांकन के दौरान जमकर नारेबाजी की है, लेकिन शिवसेना के कार्यक्रम को देखकर लोगों ने शिवसेना के लहर बताया है। जिस तरह से लोग शिवसेना और बीजेपी का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन इस रैली को देखकर लोगों में हलचल मच गई है। एनसीपी के बाबाजी पाटिल के लिए चुनाव में आमदार जितेंद्र आवाड और गणेश नाइक ने बाबाजी पाटिल के लिए पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं श्रीकांत शिंदे को जिताने के लिए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे खुद मैदान में है। नामांकन के बाद श्रीकांत शिंदे और पालक मंत्री ने क्या कहा है? ये सर्व प्रेमापोटी महायुतीचे प्रेमापोटी सगळे मंडळी आली होती, त्यांचं मग असं स्वागत केलेलं आहे आणि यावरून आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कल्याण लोकसभेचा विजय हा दणदणी मतांनी होईल, प्रचंड असं विक्रमी मताधिक्याने महायुतीच्या उमेदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे विजय होतील आणि यामागे कार्यकर्त्यांचं प्रेम आहे, गेल्या 5 वर्षामध्ये केलेलं काम आहे आणि पुन्हा एकदा केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदीजींचं सरकार आपल्याला आणायचं आहे आणि म्हणून लोकांनी निश्चय केला की एक एक खासदार हा निवडून येणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच या प्रेमापोटी ह्या सर्व रॅलीमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी झाली, हजारोंच्या संख्येने भर उन्हामध्ये रणरणत्या तळपच्या उन्हामध्ये देखील एकही कार्यकर्ता हटला नाही, शेवटपर्यंत तो रॅलीमध्ये सहभागी झाला। यावरून चित्र आपल्याला सगळ्या समोर आलेलं आहे की हे कार्यकर्ते 29 तारखेपर्यंत प्रचंड मेहनत घेतील आणि गेल्या वेळचं जे मताधिक्य मिळालं त्यापेक्षा खूप जास्तीचं मताधिक्य या निवडणुकीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल आणि बडी भारी संख्या में जो कार्यकर्ते आहे जो लोक आहे लाखों की संख्या में आज अली सिर्फ फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कल्याण लोकसभा के लिए आए थे और इससे विश्वास इससे जो लोगों में उत्साह है जो कार्यकर्ता में उत्साह है आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा 23 मई लास्ट जब 2014 में हमने ये इलेक्शन जीता था तभी 2.5 लाख की मार्जिन से हम जीते थे, लेकिन इस बार 5 लाख के ऊपर जो है वो मार्जिन जाने वाली है। आप कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में उत्साह है और लोगों ने डिसाइड किया है क्या करना है 29 तारीख और आज एक अनोखी पहल इस फॉर्म भरने के रैली के जरिए हमने की है कि एक वृक्ष लगाकर हमने इसकी रैली की शुरुआत की है, जिससे लोगों को भी एक संदेश जाना चाहिए कि आज झाड़ों की अहमियत जो समझनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये आज जो हम हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, उसको कहीं कहीं कम अगर करना होगा तो ये सब हमें करना होगा, झाड़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाने होंगे जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। नामांकन के दौरान रैली में बड़ी संख्या में भीड़ थी। ये रैली सुबह 9 बजे से निकली थी, लगभग दोपहर 3 बजे के दौरान ये रैली खत्म हुई। इसके बाद लोगों में चर्चा का विषय शुरू हो गया कि पिछली बार 2.5 लाख वोटों से श्रीकांत शिंदे ने लीड किया था, इस बार पालक मंत्री का कहना है कि 5 लाख वोटों से लीड लूंगा। खैर अब 29 अप्रैल को मतदान होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन इस चुनाव में जीतेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।